हेलो, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वैशाली और मैं आज आपको सिखाऊंगी कि मूंग स्प्राउट्स सही तरीके से कैसे बनाते हैं। मूंग खाने के लिए वैसे ही हेल्दी ग्रेन है और जब हम उसके स्प्राउट्स बनाते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ जाएगा। या आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप इसके अलग अलग रेसिपीज भी बना सकते हैं, लेकिन परफेक्टली आपको मूंग स्प्राउट्स बनाना आना चाहिए। इसका सही तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगी और दोनों का रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो मूंग स्प्राउट करना शुरू करते हैं। मूंग के स्प्राउट बनाने के लिए ये हम साबुत मूंग ले लेंगे। जितने आपको स्प्राउट्स बनाने हैं उतनी क्वांटिटी रख लेंगे। फिर इसको दो तीन बार अच्छे से पानी से धो के, इसमें अगर कोई और दालें हैं मिक्स है तो वो निकाल दीजिए, इनको साफ कर लीजिए अच्छे से। फिर हमें इनको दो तीन बार अच्छे से पानी से धो के फिर इसमें पानी भर के इसको सोक करना है 3 से 4 घंटे के लिए। मूंग को आप ज़्यादा सोक मत कीजिए क्योंकि उसके फिर छिलके निकलना शुरू हो जाते हैं और वो जब स्प्राउट्स बनते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं दिखेंगे और मूंग जल्दी गल भी जाते हैं। तो 3 से 4 घंटे मैक्सिमम आप इसको पानी में रख सकते हैं। अब इस मूंग को मैंने दो तीन बार अच्छे से पानी से धोकर पानी में सोक करके रख दिया है। पानी से धोना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी डस्ट लगी होती है जब हम बाज़ार से इसको घर पे लाते हैं और केमिकल्स का स्प्रे भी हो सकता है, तो इसीलिए हमें उसे सोक करने से पहले धोना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सोक करेंगे उसके बाद ये मूंग स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको पहले धोएंगे नहीं तो वो सारी गंदगी वो स्प्लिट के अंदर चली जाएगी और फिर वो आपके पेट के अंदर जाएगी। तो इसलिए सोक करने से पहले मूंग को धोना बहुत ही ज़रूरी है। सोक करते वक्त एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप सोक करें पानी का लेवल लगभग आधी उंगली ऊपर होना चाहिए मूंग से। अगर ये आप छोटी क्वांटिटी लेते हो, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेते हो तो ज़्यादा पानी होना चाहिए और बर्तन भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि सोक होने के बाद मूंग साइज़ में बड़े हो जाते हैं और फूल जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं, इसलिए बर्तन थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए। अब इसको मैं 4 घंटे तक ऐसे ही सोक करके रहने दूंगी। अब 5 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि मूंग ने पूरा पानी सोख लिया है, ये ऊपर आ गया है, पानी बहुत नीचे चला गया है इसका और ये साइज़ में काफ़ी बड़े हो गए हैं, बहुत फूल गए हैं। अब हम इसका जो पानी है उसको ड्रेन आउट कर देंगे। इसके एक्सेस पानी पूरा निकाल देती हूँ मैं इसका। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा पानी मैंने निकाल दिया है और मैं इसे इसमें रखूंगी। मेरे पास एक स्पेशल बर्तन है जिसमें मैं अपने स्प्राउट्स बनाती हूँ, उसको ढक्कन बंद करके टाइट टाइट बंद करके मैं इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दूंगी। लेकिन अगर आपके पास ये बर्तन नहीं है, अगर आपके पास ऐसा बर्तन नहीं है तो आप एक छलनी ले लीजिए और उसके ऊपर आप एक कॉटन का कपड़ा डाल दीजिए। मैं आपको इसमें थोड़े से करके बताती हूँ और फिर मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बताऊँगी। अब इस पोटली में मूंग डाल के उसको पोटली जैसे बांध के रख दीजिए। हमारा वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है लेकिन सुबह जब मैं वो स्प्राउट्स दिखाऊंगी आपको तो उसमें आपको वो पोटली दिख जाएगी। हमारा सुबह का रिकॉर्डिंग है। रात भर अंकुरित होने के बाद हम खोल कर देखते हैं। अभी ये बॉक्स ये देख सकते हैं आप, सारे मूंग के दानों में अंकुर खुले हैं। ये देखिए अंदर तक पूरे अंकुर खुले हुए हैं। इसको आप अगर 3-4 घंटे और रखेंगे तो ये अंकुर लंबे हो जाएंगे। और अभी देखते हैं ये पोटली का क्या हाल है। ये देखिए पोटली में थोड़े ज्यादा लंबे अंकुर हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए कितने
कितने लंबे लंबे अंकुर बने हुए हैं यहाँ पर, मतलब इसको पोटली में बांधने से हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। इसे आप अगर तुरंत यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, और अगर तुरंत यूज़ नहीं करना है आपको तो इसमें अभी फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दीजिए, या अंकुर इसके बढ़ जाएंगे। अगर ज़्यादा देर आप ये काउंटर पे रखेंगे तो मूंग से एक दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है जो हमें नहीं चाहिए, को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये अंकुरित दाने एक हफ्ते तक आपके अच्छे ही रहेंगे अगर आप फ्रिज में इसको एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे तो। इस अंकुरित मूंग को आप ऐसे ही खा सकते हैं, ये बहुत पौष्टिक होते हैं। आपका फर्स्ट ब्रेकफास्ट अगर आप इससे करें तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ये मूंग स्प्राउट आप वैसे ही कच्चे खा सकते हैं, या फिर आप उसका सैलड बना के खा सकते हैं, उसका चीला बना के खा सकते हैं, उसके कटलेट्स बना के खा सकते हैं, इवन आप उसकी सब्जी भी बना सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें आपको प्रोटीन का अच्छा सोर्स मिल जाएगा। ये रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी अनेक रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी अगली रेसिपीज़ का। धन्यवाद।